तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई यार, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था, बहुत टाइम हो गया था, तो मेरे हाथों में चुल मच रही थी कि कब ब्लॉग बनाए। और रीज़न क्या थी ब्लॉग ना बनाने की, भाई कोई कंटेंट नहीं था, हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे, और मतलब ना तो कॉलेज अभी चल रहा है और ना ही कहीं आना जाना है, बस रूम पे भाई दिन भर पड़े रहो। अब भाई क्या ही बनाए, कितना बोर करें रूम पे, मतलब नहीं मज़ा आता है थोड़ा। तो आज अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा गोमती नगर साइड, थोड़ा काम था। ये हमारे अभिषेक भाई, हेलो ब्रो। और ये है हमारे गांव के, मतलब जहां से मैं हूं प्रॉपर, लखनऊ से नहीं। तो ये बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आए थे मेरे रूम पे ऐसे थोड़ा घूमने टहलने के लिए। तो फिलहाल इनको थोड़ा काम है, अभी थोड़ा कुछ हम लोग को देखना है, तो अभी जा रहे गोमती नगर साइड। तो ब्लॉग को इन्जॉय करो, निकलते हम लोग। वैसे आज बारिश हुई है यहाँ काफ़ी भयंकर वाला, भाई सुबह से ही बारिश हो रही थी। हाँ भाई, आज था ट्यूसडे, तो हम लोग सोचे थे सुबह मंदिर उठ के जाएंगे नहा वहा के, तो भाई हम लोग नहाए वहाए उसके बाद देख रहे हैं बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो भाई पहले तो हालत खराब हो रही थी, भगवान खुद नहीं चाह रहे थे कि हम लोग उनके पास जाएं। हाँ, वो टेस्ट ले रहे थे कि आज तू आके दिखा, लेकिन हम लोग भी जाके ही दिखा, हमके कितना भी बारिश होगा आज जाएंगे, और बिना कुछ खाए पिए 9:30 के आसपास हो गया था, कुछ नहीं खाए थे ना, तो पानी तक नहीं पिए थे हमके, मंदिर से वापस आएंगे तभी पिएंगे। भाई भीगते हुए गए लेकिन गए मंदिर। सो गाइज, हमारी जो किस्मत है बहुत ही झंड है, क्योंकि भाई हम लोग रास्ते में निकले, देखो भाई बारिश होने लगी और भाई वाट लग गया है बाल वगैरह की। और सबसे बड़ी बात, हमें जहाँ जानी थी वो लोकेशन भाई थोड़ा ऐसा अजीब जगह था कि भाई मिल ही नहीं रहा है। ये देखो हम लोग एकदम भाई स्टेशन ये ओवरब्रिज पार करके हमें दूसरे रोड पर जाना है। अब पता नहीं आगे रास्ता है या नहीं है, नहीं होगा तो वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी पूरी। भाई दुआ करना कि हमारे जैसे किस्मत आपकी ना हो कभी, नहीं तो भाई वाट लग जाएगी, कसम से बता रहा हूँ। हम लोग को मतलब ऑटो वाला उतार दिया स्टेशन के इस पार, ठीक, और हमें जाना था उस वाले उधर वाले रोड पे। अब भाई ओवरब्रिज मतलब जो भी है, हम लोग इसको पार करके जा रहे हैं, आगे पता नहीं रास्ता है कि नहीं, नहीं तो भाई नहीं मिला तो वाट लग जाएगी कसम से। गाइस ये देखो भाई किस्मत, भाई पूरा पानी भर रखा पूरे रास्ते में। भाई भाई जूते उतते की भाई एकदम वाट लग गई है, भाई एकदम पूरा पानी में, पानी घुस गया जूते में, क्योंकि पूरे भाई रास्ते में पता नहीं भाई क्या चल रहा है जिंदगी, भाई एकदम झंड चल रही है, भाई सिस्टम हैंग हो गया पूरा। भाई अगर किसी को ट्रेन से जाना हो तो भाई गोमती नगर स्टेशन तो मत आना। ये देखो गोमती नगर स्टेशन का हाल भाई क्या हो रखा है, पूरा भाई रास्ते में कचरा एकदम पूरा। ये देखो भाई आपका गोमती नगर में स्वागत है, ठीक है। भाई देख रहे हो स्टेशन की हाल। भाई साहब ये देखो रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग पटरी पे पहुंच गए। बट यार कहाँ जाए, देखो इधर कहीं नहीं रास्ता है, इधर पूरा कहीं नहीं रास्ता है। अब हमें फिर से यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। भाई पूरा बाल वाल की तो वाट लग गई है, बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही है, तो भाई घूमने का प्लान जो है वो कैंसिल हुआ। अब जा रहे रूम पे और बनाएंगे रील, करेंगे भाई, भाई रील बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि भाई बारिश हो रहा है, कहीं जाने का मन नहीं, बहुत तगड़ा भीग गया भाई, जुकाम मुझे लग गई बहुत तगड़ी वाली। अब जा रहे फटाक से रूम पे। बड़ा लेंथ वाला, बड़ा वाला लेंथ वाला है। बोलबे नहीं करा काहे ना, बोलबा बोलबे नहीं करा काहे ना, बोलबा मुझे बनाने दो।
भैया भैया यहाँ सेल्फी से बना भैया भैया यहाँ पर वो लड़का यही था जिसके कहीं पे कुछ जा रहा था, अभी इसने कुछ बोला है कि नहीं इतना डीप नहीं जाना यार यूनुस भाई, इतना डीप चले जाओगे दिक्कत हो जाएगी यार। वैसे हम लोग आज गए थे भाई, आज कोई सिस्टम ही नहीं बैठ पाया क्योंकि इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी और चाय ठंडी थी। और हाँ भाई, सोचा था आज रील उल बनाऊंगा, बढ़िया पोस्ट होगा, एकदम व्यवस्था टाइट होगा, फिर शाम को गए चाय पीने। भाई एक तो बारिश वहाँ भी हो रही है, कुछ बना नहीं पाए, और भाई चाय दिया वो भी ठंडी दिया एकदम। तो आज हम सोच रहे हैं रात को थोड़ा इंजॉय करने का। तो लोग भाई आज का क्या सिस्टम है? आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज रात में कुछ प्रैंक किया जाए। आज सबकी आज फाड़ेंगे। आज रात में लगभग करीब 12 बजे के करीब भोग की जाएगी प्रैंक और फाड़ जाएगी सबकी गांठ। भाई देखो, आज की सबसे पहले देखो आज क्या करने वाले हम लोग। देखो एक साउंड है हमारे पास, ठीक है, साउंड किसी के रूम में छिपा देंगे, ठीक है। जैसे रात होगा तो साउंड कनेक्ट करके रखेंगे एक फ़ोन से, पहले छिपाएंगे एक फ़ोन से रखेंगे कनेक्ट करके, और जब वो लोग सो जाएंगे तो हम लोग एक हॉरर जो साउंड होता है उसमें चुड़ैल चिल्लाती है हुआ वो वाला चालू कर देंगे। नहीं पहले ऐसे नहीं करेंगे, साउंड कनेक्ट करके रखा रहेगा, पहले एकदम जब रात हो जाएगी तो पहले हाँ खिड़की पे जाके टन 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 मारेंगे ताकि उसको ताकि थोड़ा फील हो पहले कि कुछ तो कांड चल रहा है। उसके बाद साउंड हम लोग चालू कर देंगे भूत वाला, ताकि सिस्टम उसका हैंग हो जाए। ये जो हॉस्टल है रियल कहानी बता रहे, इसके साथ कांड हो चुका है, रियल कहानी बता रहे। एक ब्लॉग तो ठीक है, वो ब्लॉग में कहानी और सुन लेंगे उसी बहाने। ये जो हॉस्टल है ये पूरा जो जमीन है जहाँ पर पहले था पूरा जो है कब्रिस्तान में बना है, ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा अभी अकेले तुम रहते तो थोड़ा मतलब समझ बचे, क्योंकि आज हम लोग देखो भूत वाला ट्राई करने वाले हैं। तो भाई थोड़ा असली में भूत भी आ सकता है भाई। देखो भाई सीरियस बात बता रहा हूँ, अकेले तुम सोते हो तो थोड़ा मतलब ध्यान दे के सोना, क्योंकि भाई रात को बताया पहले दिन आया तो सच में यार दरवाजा खिड़की ना खोला तो ना होता। इसके साथ बताएं क्या हुआ, ये हमारे जो आकाश भाई हैं अपना चेहरा इनका लाइए, मैं चेहरा दिखा देता हूँ, चेहरा दिखाओ, ये चेहरा देख लीजिएगा। इनके साथ क्या हुआ, ये सोए थे, ये थे और इनका रूम पार्टनर था, इनका रूम पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड से रात को बात कर रहा था, ये सो गए थे क्योंकि ये सिंगल है इनको कोई भी नहीं रही, तो मजाक में ले रहा हूँ मतलब ये सोया था, ठीक है, उसका रूम पार्टनर जग रहा है बात कर रहा है। ये जैसे 12 के आसपास बजा भाई, जैसे 12 के आसपास बजा भाई, सीरियस बात बता रहा हूँ पूछ लेना, जैसे जैसे 12 के आसपास बजा तैसे भाई ये अचानक से उठा, एकदम सोया है उठा, उसके बाद ऐसे कर रहा अपने रूम पार्टनर, यही रूम तो था भाई, बेड रूम है, बेड इधर था, बेड आगे पीछे, बेड एक बेड उधर था और एक बेड इधर था, ये उठा ऐसे अचानक से कर रहा यहाँ जो सोया था, जो पहले रहता था वो कहाँ गया भाई, सीरियस बात बता रहे थे, यहाँ जो पहले रहता था वो कहाँ गया, तो वो ऐसे सोच में पड़ गया, कह रहा पहले कौन रहता था, पहले कोई नहीं रहता था, कोई ना कोई तो रहता ही होगा, ये तो भाई इसको क्या पता, गैस लगाया इसको क्या पता कौन रहता था, तो ये कह रहा जो पहले रहता था वो कहाँ गया, वो कह रहा पहले कौन रहता था, सो जा चुपचाप। तो फिर कह रहा नहीं जो हम लोग से पहले यहाँ रहते उन दो लोग वो कहाँ गए, तो उसकी गांठ फटी तो वो कह रहा सो जाओ कोई नहीं रहता था, तो मतलब सोया, तो सुबह लोग हमको बताने लगे, और ये भाई साहब क्या किए थे, जंगला है दिखाओ जंगला भी, जहाँ दिखाया वो दिखाओ यार भाई, खोल ही दिखाओ यार, खुला था नहीं भाई, ऐसे ऐसे ये जंगला खोला हुआ था, ये जंगला ठीक है, और ये इसका सर इधर ही था, इधर सर करके भाई इधर ही सोए थे ना, इधर ही सर था तुम्हारा, इधर ही सर किया था, ऐसे सोया था, मुझे लग रहा कोई जंगले से इसके सर में घुसा था भाई, सीरियस भाई कसम से बंद करके सोते हैं, बंद करके सोया करो भाई, मैं भाई अपने फट रही है अपने जंगले पे भाई वो लगा के लटी मैं फिर क्यों प्रश्न हूं नहीं तो तब मतलब ये रात सुबह हमको बताने लगा, हम क्या साला यार इसको कैसे पता, और भाई जो लड़का इस रूम में पहले रहता था ठीक है वो फोन मत चलाओ यार, फोन मत चलाओ, अब इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, नहीं मेरी बात सुनो, जो लड़का इस रूम में पहले रहता था ठीक है, वो मतलब कभी यहाँ जल्दी आता ही नहीं था, चाहे कौन यहाँ आता है, गोपिंदर मुस्लिंदर रहते थे, गोपिंदर बुलाओ भी वो बताएगा, गोपिंदर बुलाओ,
भाई जो बंदा इस रूम में रहता था मैं उसको अभी जो यहाँ रहेगा मैं पूछा दे रहा हूँ, वो बंदा यहाँ कभी दिखा ही नहीं रात को बिल्कुल, कभी दिन में आता था वो अपना यही इससे पंडित जी से पूछे जानते होंगे जो सामने रहता था। अतुल इधर आओ एक मिनट, नहीं भाई वो कंपनी चाहता था इसलिए वो रहता था वहाँ। तुम्हारी फाड़ रहे झूठ में सब, मैं भी तो नहीं लिया था उसमें भाई, ये सीनियर है भाई, पहले की कहानी बता रहे हैं बहुत छोटे तुम जाने के ज्यादा। पहले लड़का रहता था उसको जानते थे तुम? नहीं जानते नहीं। देखे थे कभी उसको रात को वहाँ रुक के देखे हो? रात को हाँ दो चार बार ना भाई, जब से वो बंदा रहता था। अच्छा कभी मतलब वो यहाँ रहता था जाते? नहीं भाई यहाँ वो रहता ही नहीं था, मतलब वो आता भाई सच में बता रहा हूँ भाई, पूछ लो किसी से पूछ लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो आता था अपना कॉलेज में, ठीक है वो आता था अपना मतलब वही कॉलेज टाइम जाता था पढ़ पढ़ के रहता था भाई, मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वो रात को जल्दी रुकता ही नहीं था यहाँ पे। तो जैसे ये लोग हैं इनके साथ वही कांड हुआ, इनके साथ का तुरंत सीन हुआ, और इनसे मैं सुबह पूछा भी कि मतलब तुम्हें क्या कैसे तुम्हें ऐसा आया, तो कह रहा मेरे मुझे सपना आया था कोई मुझसे पूछ रहा है भाई, ये चीज़ सच है। और भाई मतलब कभी नहीं रखो, तुम रूम में अकेले रहते हो मानता हूँ मैं, और देखो बिस्तर कभी लगाना तो एक लगाना, दो कभी मत लगाना, और लगाना तो भाई उसको देखो क्या कहा, फालतू का बाबा क्यों बन रहे हो हमारे भाई, देखो क्या कहा जाता है जाके बुला रहे हो, मेरी बात सुनो, देखो क्या कहा जाता है, जैसे दूसरा बिस्तर अगर फैलाया तो बेड पे सोए तो रात को आत्मा ही उसको सो जाती है, इसीलिए बिस्तर हमेशा कहीं भी बुजुर्ग को देखोगे ना बिस्तर हमेशा वो मोड़ देते हैं, छोड़े जाते हैं बिस्तर मोड़ देते हैं, इसीलिए क्योंकि उसको जाके सोना पड़ा, वो रात को जो आत्मा भटकती है भैया मेरे साथ सो रहा है उसी पे उसी पे सोते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं ज्यादा टेंशन हो गई यहां सोना, तीन लोग का जगह है, ये बात सच में मैं बोल रहा हूं और जी नाइजीरियन है, नाइजीरियन जी निकल गए तो इनके साथ कांड हो जाएगा, तो कांड नहीं पूरा, खिड़की तो भाई बिल्कुल मत खोलना, और रात को भाई खिड़की मेरी हमेशा खुली रहती है, नहीं भाई उसके बाद हनुमान चालीसा जब से पढ़ा तब से मैं खिड़की खोल के सोता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इनको मैं बोला था, अकेले मैं सोता था भाई, फिर बाद में नीरज भी था, हो जाता है। सुनो गोविंदर जो इस रूम में रहता था, देखो अभी इससे तुम्हारे सामने मिल रहा है, ये खुद बताएगा कहानी क्या हुआ है, रूम में कैसे रहता था कितना, अभी देखे उसको रूम में चश्मा लगा वीडियो में दिखेंगे भाई, कैमरा इन्हीं पे फोकस रखना, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, नहीं जो इस रूम में रहता था उसको रात में कभी तुम यहाँ जल्दी सोते देखे हो? वो कैमरे के वो सामने वो बन रहा है, आकाश के साथ जो कांड हुआ था तुम्हें पता ही है, रात को आए थे भैया रहता था वो कहाँ है तो मतलब वो जो लड़का रहता था, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है उस लड़के को कोई खोजने आया सच में, क्योंकि वो लड़का भाई यहाँ जल्दी दिखता ही नहीं था, कॉलेज जाए अगर बैग वैग भी रखा भाई रूम का रेंट पूरा देता था, कभी जल्दी इसमें रूम में दिखता नहीं था वो, और रात के टाइम बिल्कुल नहीं दिखता था वो, आता था ठीक है कभी कभी जब तब मंथ में एक या दो बार बहुत ज्यादा, हाँ ऐसे ही आता अभी आता था ठीक, दिन में आता था एक या दो घंटा रहता था बस, तुरंत जहाँ शाम हुई बस तुरंत भाई वो रुकता ही नहीं था पता, और पैसा पूरा देता था रूम का सारा, लेकिन रुकता नहीं था, ठीक है मेरे साथ सुना चलिए कोई बात नहीं, यार तो हुआ अभी इसके रूम में था अमन, वो भी अकेले रहता था अमन, वो भी पता क्या हुआ इस कमरे में नहीं रहता था, क्यों भाई उसके साथ एक बार रात को, अभी कौन फोन लगा पूछवा दो उसको, रात को एक बार सोया ठीक है,
अब उसको लगा कि उसके बगल कोई आके सोया है एकदम भाई एकदम सी हमको बता रहा था कहानी वो मतलब उस ऐसा लग रहा है उसको कोई उसके बगल आके सोया है उसको नचा रहा है ऐसा उसको मतलब उसको कोई बार बार उठा रहा है पकड़ के नहीं भाई मजाक नहीं वो अकेले इसीलिए जब से उसके साथ हुआ अबे कुछ नहीं है जब तुम अपने दिल से रहोगे ना जैसे हम लोग अब रहने लगे कोई दिक्कत नहीं है भाई हम लोग भाई इसके एकदम अच्छे से फाड़ दिए हैं एकदम कहानी सुना को इसको यकीन दिला दिए हैं कि भाई कांड होगा तो आज मैं सोच रहा हूँ ये प्लान पहले प्रैंक वाला ये बना रहा था अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ प्रैंक कर देते हैं कांड हो जाएगा भाई इसके साथ तो ठीक है भाई उसी में कह रहे हैं नहीं भाई दिल से सोच वो स्क्रिप्ट में भी लगे हैं कि हाँ मतलब करना है उस पर से उसको दिलासा भी दे रहे हैं क्या मकालू बनेगा रे तू इसकी कोई रिश्तेदार लग रही है ये बैग है भाई साहब हमारे थोड़ा भाई तुम आज बच के रहना क्योंकि आज सुने भी हो जंगला वंगला बंद कर लेना भाई जय बजरंग बली की अभिषेक जो था और टॉप जो कैसे नहीं ले अरे वो भाई यहाँ कांड भले हुआ है लेकिन बहुत मस्ती भी हुई है भाई क्योंकि एक बार झगड़ा हो गया था ऐसे मियां खलीफा और सनी लियोनी के लेके भाई इतने आरामी लौटने थे भाई कि अपने में झगड़ा कर लिए वो दोनों को लेके अब कहानी बहुत लंबी है बताऊंगा तो आप लोग डायरेक्ट ब्राउजर पे चले जाओगे इसलिए रहन दो ज़्यादा ना बताएं तो ही अच्छा है भाई हम लोग इसकी बहुत तगड़ी वाली फाड़ दी है अभी तो कैमरे के सामने तो इतना सुना ही बाकी इसके बाद भी हम लोग अबे यार ये तो और खट खट सीन कर रहा है अलग ही सीन है ये मतलब बहुत तगड़ी वाली फाड़ दी है बाद में इतना कहानी मैंने सुनाया है इसको कि भाई इसकी सच में फट गई मैं अपने भी बहुत मतलब ऐसे ही झूठ झूठ बना के अपने इतनी कहानी भाई मैं इतना सुना दिया मेरी भी फट रही है भाई इतना कम हो गया और ये भाई ये बहुत तगड़ा कहानी सुना दिया एकदम भाई तगड़ा भाई सीन गड़बड़ चल रहा है भाई मुझे बहुत तगड़ी डर लग रही है इतनी कहानी होने के बाद अब भाई मेरी बहुत तगड़ी वाट लग रही है अरे यार हमारी हालत खराब हो रही है इधर हम तो अकेले तुम लोग तो सब भी भाई मैं भी अकेले नहीं आज तो ये सोएगा मेरे साथ यार मैं एक बाबा को जानता हूँ भैया इनके साथ मत सोना हमारे साथ सोना नहीं भाई सच में मेरी अब कहानी मुझे याद आ रही है सब आज कहीं मुझे लग गई ना अभी कसम से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा सब लोग बोले थे यहाँ से लेकिन आज हमारे यहाँ जो एक घर है मेरे मोहल्ले में उस घर के कोई आसपास नहीं जाता आकाश भाई वो सब तो ठीक है ये क्या हो रहा है वो उधर क्या हो रहा है क्या हो रहा है भाई कहाँ कैंसिल करके आज हम आपको मैगी बनाना सिखाते हैं कोई बात नहीं गाइस भाई इसको हम लोग बोल दिया है प्लान कैंसिल है और हम वीडियो बना रहे थे पीछे से आ गया हमने काफ़ी कुछ मतलब ऐसा हैंडल किया कि इसको पता नहीं चला कि प्रैंक किसी के साथ होने क्योंकि प्रैंक किसी के साथ होने वाला अब भाई करना तो है भाई जा रहा है अगर प्रैंक करेंगे पक्का और इसकी आज भाई के साथ बहुत बुरा होने वाला है आज वैसे यार हम लोग एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं सारा प्लान इसको पता है तो भाई मतलब डर नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक लगता है कोई नहीं बट हम लोग कुछ अलग तरीके से ट्राई करते हैं भाई लाइट चल गई है तो अभी मैं जा रहा हूँ आकाश के साथ पहले प्रैंक होगा उसको मतलब एकदम डरवाने वाला हूँ मैं बहुत भयंकर वाला भाई मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा हो गया प्रैंक क्योंकि यहाँ भाई नीचे से बंदे आ गए ऊपर क्योंकि हम लोग मतलब इतना शोर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ सीन ना हो जाए क्योंकि ऑनर के पास भी मुझे
थोड़ा बहुत सीन हो सकता। और वैसे भी ये बंदे में मतलब हम लोग इतना आज सब कुछ प्लान वगैरह बताए हैं, तो मत करो यार, प्लान वगैरह सब कुछ इसको पता ही है, तो मतलब मुझे लग रहा है डरेगा नहीं उतना। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा भाई। तो आज यहीं के लिए, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा। अब देखो हम नेक्स्ट जब करेंगे तो वो वीडियो जरूर देखना, कि बहुत ही तगड़ा करने वाला, एकदम पूरा एकदम भाई मज़ा आएगा। और हाँ, मतलब अभी आज थोड़ा सा उसको हिंट दे देंगे, रात को 1-2 बजे मतलब थोड़ा बहुत उसको खटखटा के डरवाएंगे, बट आज पूरा प्रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया और थोड़ा इधर भाई शोर शराबा कुछ ज़्यादा हो गया है। तो अब अगले दिन करेंगे, तो देखना भाई ज़रूर, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना।